हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड का टॉपिक सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, सोप क्या होती है और डिटर्जेंट क्या होती है। ठीक है, सोप की जो डेफिनेशन हो जाएगी, सोप की डेफिनेशन होगी आपकी सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड सोप। ठीक है, कि क्या होगी सोडियम की और पोटेशियम साल्ट की, क्या होगी लॉन्ग चेन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा RCOONa। ठीक है, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये होता है जनरल फॉर्मूला ऑफ इसका सोप का। डिटर्जेंट क्या होगा, डिटर्जेंट होगा अमोनियम एंड सल्फोनेट साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड डिटर्जेंट। और इसका जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा ये होगा इसका RSO3Na। ठीक है, तो इसमें ये आ जाएगा, ये क्या होगी लॉन्ग चेन, ये बहुत लंबी क्या होगी चेन होगी हाइड्रोकार्बन की, क्या होगी चेन होगी। आप इस तरह से CH3 CH3 CH3, ठीक है सॉरी, तो आप ऐसे लेकर से बहुत लंबी बना सकते हो। ठीक है, और इसमें लास्ट में क्या जुड़ा हुआ होगा, ये हमारा जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, ग्रुप किस में, सोप में और डिटर्जेंट में। ये तो ये हमारी सोप और डिटर्जेंट की क्या थी, डेफिनेशन थी। अब देखते हैं एक्टिविटी 4.10। टेक अबाउट 10 ml ऑफ वाटर इन ईच टू टेस्ट ट्यूब्स। हमें दो टेस्ट ट्यूब लेनी है और दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, वाटर लेना है। एंड अ ड्रॉप ऑफ ऑयल टू बोथ द टेस्ट ट्यूब एंड लेबल दैम एज ए एंड बी। और फिर दोनों में क्या करना है, उसमें ऑयल डाल देना है ड्रॉप से। ठीक है, और फिर उन पर लेबल, उनके पे क्या कर देना है, लेबल कर देना है ए एंड बी। टू टेस्ट ट्यूब बी एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन। और आपको जो टेस्ट ट्यूब है आपकी, उसमें टेस्ट ट्यूब बी में क्या करना है, तो कुछ ड्रॉप्स आपको क्या डालनी है, सोप सॉल्यूशन की डालनी है। नाउ सेक बोथ द टेस्ट ट्यूब विग्रेसली फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। और फिर दोनों टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, शेक करना है अच्छे से, और सेम पीरियड में, मतलब जितने आप उस दोनों को सेम टाइम तक क्या करना है, शेक करना है। कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयर सेपरेटली इन बोथ द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर यू स्टॉप शेकिंग दैम। क्या जब आपने एकदम इनको रोका है, शेकिंग करने से रोका है, ठीक है, आपने स्टॉप किया है इसको, तो क्या एकदम से इनकी लेयर सेपरेट हो गई है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब आप इसको अनडिस्टर्ब रख दोगे थोड़े टाइम के बाद, तब उसके बाद क्या होगी, इसकी लेयर क्या होगी, सेपरेट होगी। लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व डज द ऑयल लेयर सेपरेट आउट। जब आप इसको क्या कर दोगे, रख दोगे अनडिस्टर्ब कुछ टाइम के लिए, तो आप इसमें क्या, आपने कोई लेयर सेपरेट आउट ऑब्जर्व करी है इसमें, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यस। ठीक है, इन विच टेस्ट ट्यूब डज दिस हैपन फर्स्ट। और कौन सी टेस्ट ट्यूब में ये पहले हुआ है, कि पहले हुई है आपकी जो सेपरेट हुई है लेयर्स, वो कौन सी टेस्ट ट्यूब में पहले हुई है, ये बताना है। तो ऑयल लेयर सेपरेट आउट इन बोथ द टेस्ट ट्यूब बट दिस हैपन फर्स्ट इन टेस्ट ट्यूब ए। तो ये किस में होगा, टेस्ट ट्यूब ए में पहले होगा, क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या मिला दिया था, सॉफ्ट सॉल्यूशन, और सॉफ्ट सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, जो ऑयल होगा हमारा क्या हो जाएगा, वो घुल जाएगा और थोड़ा सा उसका जो जो उसका कलर होगा वो क्लाउडी सा हो जाएगा। ठीक है, वाइट वाइट सा, तो इसलिए वो क्लियर नहीं होगी लेयर, तो इसमें ये कारण है। और ये किसका है, ये डायग्राम है किसका, फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स का, मिसल्स कैसे बनती है हमारी। ठीक है, ये क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट है या हाइड्रोकार्बन की चेन है, और ये लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, एन ए पॉजिटिव। तो एक मतलब किसका है, सोप का। ठीक है, तो सोप ये जो पार्ट है ये वाला हमारा होगा वाटर सोल्यूबल, या फिर बोल लो हाइड्रोफिलिक। और जो ये लॉन्ग चेन है हमारी हाइड्रोकार्बन की होगी हाइड्रोफोबिक, तो ये क्या करेगी, हाइड्रो वाटर से दूर जाएगी और किस में मिलेगी, वाटर ड्रॉपलेट्स में मिलेगी। ठीक है, और वाटर ड्रॉपलेट्स में मिलके क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी क्लोथ से। ठीक है, पानी से, वाटर से। दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। ठीक है, तो जो ये एक्टिविटी हमने करी है सोप की क्लीनिंग में होता है इसका इफेक्ट। मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर। जो हमारा डर्ट होता है, जो गंदगी होती है कपड़ों में, ठीक है, तो किस नेचर का होता है, वो ऑयल नेचर का होता है। एंड एज यू नो ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। और ये आप जानते हो कि वाटर हमारा, ऑयल हमारा वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता। द मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर, तो ये आ गई है डेफिनेशन आपकी सोप की, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सोप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो सोप क्या होती है, सोडियम की पोटेशियम के साल्ट की लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगी। एंड आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरैक्ट विद वाटर। जो हमारा आयनिक एंड है, ठीक है, वो किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, वाटर के साथ। वही जो एन ए पॉजिटिव वाला जो पार्ट है वो किसके साथ इंटरैक्ट करेगा,
वाटर के साथ उसमें घुल जाएगा वाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट विद ऑयल। और जो हमारी कार्बन चेन है CH2 वाली CH3 वाली वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगी? ऑयल के साथ। है सॉप मॉलिक्यूल दस फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसिल। तो जो सॉप मॉलिक्यूल ये स्ट्रक्चर बना रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? मिसिल्स बोलते हैं। वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टूवर्ड द ऑयल ड्रॉपलेट, जिसमें एक एंड क्या होगा मॉलिक्यूल का ऑयल ड्रॉपलेट की साइड की तरफ होगा, और वाइल द आयनिक एंड फेसेज आउटसाइड, और जो दूसरा फेस है आयनिक फेस है वो आउटसाइड होगा। ठीक है, दिस फॉर्म एन इमल्सन इन वाटर। ये क्या बनाएगा? इमल्सन बनाएगा वाटर में। ठीक है, ऑयल, क्योंकि ऑयल और जो क्या होता है हमारा वाटर आपस में डिजोल्व नहीं होते, तो वहाँ पे आप देखोगे थोड़ी टाइम के बाद आपको वो अलग अलग सा दिखाई देने लगता है ऑयल वाटर के अंदर, तो वो क्या है? इमल्सन है। द सोप मिसिल डज हेल्प इन पुलिंग आउट द डर्ट इन वाटर। तो ये जो सोप मिसिल्स बनी है ये किस में हेल्प कर रही है? जो डर्ट है हमारा उसको बाहर निकालने में क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। मतलब मिसिल्स क्या करेगी? जो डर्ट है उसको अपने साथ इकट्ठा कर लेगी और फिर वाटर से दूर भाग जाएगी। ये तो हमने बताया कि जो हाइड्रोजन वाला हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है क्या हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर में घुलने का ही नहीं है। क्या होगा? ये डर्ट को सबको अपने पास इकट्ठा कर लेगा। ठीक है, और क्या बना लेगा? मिसिल्स बना लेगा, और जब आप इसको वाटर में क्लीन करोगे सब बाहर निकल जाएगा डर्ट। एंड वी कैन वॉश आवर क्लॉथ क्लीन। और हम इससे क्या कर सकते हैं? अपने जो क्लॉथ है उनको वॉश कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मिसल दैट वुड बी फॉर्म्ड इफ यू डिजोल्व सॉप इन हाइड्रोकार्बन? क्या आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो? तो स्ट्रक्चर तो इसका बना बनाया भी दिखाया आपको, और ये यहाँ पे भी बन रहा है, ये रहा। ठीक है, तो Na पॉजिटिव हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर में सोल्यूबल होगा, ये इनसोल्यूबल होगा, ये पर ऑयल के साथ क्या करेगा? ऑयल, जो ऑयल वाला पार्ट है सबको अपने पास इकट्ठा कर लेगा, चारों तरफ से इसको घेर लेगा। फिर उसको घेर के क्या करेगा? ये तो इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, और ये वाटर से बाहर निकल जाएगा सारे डर्ट को लेके, गंदगी को लेके। अब देखते हैं मिसिल्स क्या है। सोप्स आर मॉलिक्यूल इन विच द टू टेस्ट ट्यूब हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। वन इज हाइड्रोफिलिक एंड दैट इज इंटरेक्ट विद वाटर। तो जो सोप है, जो मॉलिक्यूल है सोप का, इसमें दो एंड होंगे और दोनों के पास क्या होगी? डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। एक होगा हमारा हाइड्रोफिलिक और एक होगा क्या? हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक तो हमारा हुआ आयनिक एंड, ठीक है, जो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, और वाइल द अदर एंड इज हाइड्रोफोबिक दैट इज इंटरेक्ट विद हाइड्रोकार्बन। वैन सोप इज एट द सर्फेस ऑफ वाटर द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ सोप विल नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर। तो जब हमारी सोप क्या होगी? किसकी सरफेस पर होगी? वाटर की सरफेस पर होगी। तो जो हाइड्रोफोबिक वाली टेल है ये क्या नहीं होने की? सोल्यूबल नहीं होगी वाटर के अंदर। एंड सोप विल अलाइन अलोंग द सरफेस ऑफ वाटर विद द आयनिक एंड इन वाटर एंड द हाइड्रोकार्बन टेल प्रोटर्डिंग आउट ऑफ वाटर इनसाइड वाटर। तो यही दिखा रहा है इसमें कि जो हमारा हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है वो क्या होगा? इनसोल्यूबल नहीं होगा वाटर के अंदर, जो हाइड्रोफिलिक वाला है वो सोल्यूबल होगा। तो ये वाटर में घुल जाएगा ये सारा। ठीक है, दिखा रखा हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड। तो जो ऊपर वाला ये क्या हाइड्रोफिलिक है और निचले वाला क्या हाइड्रोफोबिक है। तो ये हाइड्रोफिलिक है ये वाटर में घुल जाएगा वाटर के अंदर, और जो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक वाला है ये क्या करेगा? डर्ट को लेगा, ऑयल वाला जो पार्ट है आपके कपड़ों में जो भी वाटर के अंदर है ऑयल वालों को अपने साथ क्या कर लेगा? खींच लेगा। ठीक है, ग्रीस और डर्ट ये इस तरह से देखो दिखा रखी है यहाँ पे, ये मिसल्स दिखा रखी है। क्या करिए? ये धीरे धीरे जाके कहाँ जा रही है? डर्ट के पास जा रही है, और डर्ट को चारों तरफ से क्या कर लेगा? ये घेर लेगा, और फिर इसको ये तो वाटर इनसोल्यूबल हो जाएगा, फिर जो ये सारा डर्ट है क्या है? वाटर इनसोल्यूबल है, बाहर निकल जाएगा इस तरह से, जैसे ये दिखा रखा है। इसमें देखो घेर लिया है चारों तरफ से, देखो चारों तरफ से घेर लिया इसको डर्ट को, और फिर ये क्या है? इनसोल्यूबल है, मतलब ये सारा डर्ट इसके बीच में आ गया, और ये क्या है? इनसोल्यूबल है। तो क्या हो जाएगा? ये क्लीन हो जाएगा हमारे क्लोथ। ठीक है, तो इसमें सारा वही लिखा है। दिस मॉलिक्यूल हैव यूनिक ओरिएंटेशन दैट कीप द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ द वाटर। तो जो मॉलिक्यूल है इसके पास क्या यूनिक ओरिएंटेशन है, अपने हिसाब से क्या कर लेता है? ओरिएंट हो जाएगा। एंड दस क्लस्टर मॉलिक्यूल इन विद द हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। तो जो हाइड्रोफिलिक वाला है वो बाहर की साइड रहेगा, और जो हाइड्रोफोबिक वाला है वो अंदर की साइड रहेगा, और क्या बन जाएगा? एक क्लस्टर बन जाएगा ऐसे। एंड द आयनिक एंड आर ऑन द सर्फेस ऑफ द क्लस्टर। और जो आयनिक एंड है वो क्या होगा? सरफेस पे होगा, किसके? क्लस्टर के। एंड दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड मिसिल। और इस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? मिसिल। सोप इन द फॉर्म ऑफ मिसिल इज एबल टू क्लीन। तो सोप किस फॉर्म में? मिसिल की फॉर्म में एबल है क्लीन करने के। सिंस द ऑयली डर्ट विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसिल। क्योंकि जो सारा ऑयल डर्ट है वो किस में कलेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल इनके बीच में क्या हो जाएगा? कलेक्ट हो जाएगा। द मिसिल स्टे इन सोल्यूशन एज कोलाइड एंड विल नॉट कम टूगेदर टू पैरिफेट बिकॉज ऑफ आयनाइन इंपल्सन। तो जो मिसिल्स है हमारी
ये क्या रहेगी, सॉल्यूशन के अंदर एक दूसरे से दूरी रहेगी, एक दूसरे के पास नहीं आने की ज़्यादा, पेरिसिपिटेट नहीं बनाने की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आयन आयन रिपल्जन, ठीक है। तो जो सारे मिसाइल्स बने हैं ये आपस में रिएक्ट नहीं करने के, क्योंकि इन पर क्या आ रहा है पॉजिटिव, क्या आ रहा है चार्ज आ रहा है, और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो दस द डर्ट सस्पेंडेड इन द मिसाइल इज ऑल्सो इजिली रिंस अवे, तो जो सारा डर्ट सस्पेंड हुआ है मिसाइल के अंदर वो सब क्या हो जाएगा, रिंस अवे कर देंगे हम उसको, धो देंगे। तो सो मोलिक्यूल आर लार्ज इनफ टू स्कैटर्ड लाइट एंड सो सॉल्यूशन अपीयर क्लाउड, तो जो सोप मिसाइल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर्ड लाइट एंड सोप सॉल्यूशन अपीयर क्लाउड, तो जो सोप के मिसाइल्स है ये क्या है इतने लार्ज है कि क्या करेंगे, जो उसके अंदर लाइट जाएगी सॉल्यूशन के अंदर उसको क्या करेगा स्कैटर्ड करेगा, और स्कैटर्ड करेगा तो उसमें से आपको कैसे दिखाई देगा क्लाउडी से आपको ये दिखाई देगा सॉल्यूशन। टेक अबाउट 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर और रेन वाटर, आपको क्या लेना है 10 ml डिस्टिल वाटर लेना है, 10 ml ऑफ हार्ड वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल और हैंड पंप, ठीक है। डिस्टिल वाटर लेना है और क्या लेना है हार्ड वाटर लेना है। डिस्टिल वाटर वो होगा हार्ड वाटर, हम इसको बोलते हैं जो वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप, तो जो हमारा वाटर सोप के साथ लेदर नहीं बनाएगा, लेदर मतलब झाग नहीं बनाएगा, उसे हम क्या बोल लेंगे हार्ड वाटर। एंड विच प्रोड्यूस लेदर विद सोप इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर, उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। तो डिस्टिल जो है जो हमारा, ठीक है, डिस्टिल वाटर क्या है हमारा सॉफ्ट वाटर है, और हार्ड वाटर तो हार्ड वाटर है। एंड इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब, तो आपको क्या करना है डिस्टिल वाटर को और हार्ड वाटर को सेपरेट टेस्ट ट्यूब में लेना है, एंड एड अ कपल ऑफ ड्रॉप ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन टू बोथ, और फिर आपको दोनों में क्या करना है सॉफ्ट सॉल्यूशन डाल देना है। सेक द टेस्ट विग्रेसली फॉर एन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम, और सेम टाइम तक क्या करना है इनको सेक करना है टेस्ट ट्यूब को विग्रेसली, एंड ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ फॉर्म्ड, तो आपको ऑब्जर्व करना है कि अमाउंट ऑफ फॉर्म किस में ज़्यादा हुए। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट मोर फॉर्म, तो आप कौन से वाली टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा फॉर्म मिलेंगे आपको ये बताना है। तो कौन सी वाली सॉप में मिलेंगे सॉफ्ट वाटर में, क्योंकि हार्ड वाटर में तो उसको हार्ड वाटर के अंदर क्या हो गए आयन्स हो गए, ठीक है। हार्ड वाटर हमारा सॉप के साथ क्या नहीं बनाता है लेदर नहीं बनाता है, तो सॉफ्ट कौन बनाएगा सॉफ्ट वाटर बनाएगा, ठीक है। हार्ड वाटर लेदर नहीं बनाता सॉफ्ट वाटर बनाता है, तो ज़्यादा फॉर्म आपको किस में मिलेंगे सॉफ्ट वाटर में। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ वाइट कर्डी पेरिसिपिटेट, आप कौन सी टेस्ट ट्यूब में वाइट कर्डी पेरिसिपिटेट ऑब्जर्व करेंगे, तो इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हार्ड वाटर, क्योंकि हार्ड वाटर हमारा फॉर्म नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा मिसल्स बनाएगा, पेरिसिपिटेट बनाएगा वाइट कलर के, क्योंकि इसमें क्या नहीं होगी सोल्यूबल नहीं होगी। नोट फॉर द टीचर, इफ हार्ड वाटर इज नॉट अवेलेबल इन योर लोकेलिटी प्रिपेयर सम हार्ड वाटर बाई डिजोल्विंग हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड क्लोराइड, ये टीचर्स के लिए। एक्टिविटी 4.12, टेक टू टेस्ट ट्यूब विद अबाउट 10 ml ऑफ हार्ड वाटर इन ईच, दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, दोनों में 10-10 ml क्या लेना है वाटर लेना है। एड फ्यू 5 drops ऑफ सॉप सॉल्यूशन टू वन एंड 5 drops ऑफ डिटर्जेंट सॉल्यूशन टू द अदर, एक टेस्ट ट्यूब में आपको सॉप सॉल्यूशन डालना है, दूसरे वाले में डिटर्जेंट डालना है। सेक बोथ टेस्ट ट्यूब फॉर द सेम पीरियड, और फिर दोनों को सेक करना है दोनों टेस्ट ट्यूब को। डू बोथ टेस्ट ट्यूब हैव द सेम अमाउंट ऑफ फॉर्म, क्या दोनों जो टेस्ट ट्यूब है उसमें सेम अमाउंट ऑफ फॉर्म आपको मिलेगा, तो ये किस में होगा जो हमारे डिटर्जेंट होगे वो हार्ड वाटर में भी बनाएगा लेदर और सॉफ्ट वाटर में बनाएगा, तो डिटर्जेंट वाली जो टेस्ट ट्यूब होगी उसमें ज़्यादा आपको फॉर्म मिलेंगे और सॉफ्ट वाली में कम मिलेंगे। इन विच टेस्ट ट्यूब इज कर्डी सॉलिड फॉर्म, तो कौन सी टेस्ट ट्यूब होगा सॉफ्ट वाली में, इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉप उसमें क्या बनेगी आपके पेरिसिपिटेट बनेगी, क्योंकि वो घुलनेगा नहीं अच्छे से। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाइल बात थिंग दैट फॉर्म इज फॉर्म डिफिकल्टी एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस इज कम, तो जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस बन रहे हैं जो सॉल्यूबल नहीं है वाटर हार्ड वाटर किसके अंदर वाटर के सोप के, तो उसमें क्या बनेंगे स्कम बनेंगे रिमेन आफ्टर वॉशिंग विद वाटर, जो जो इनसॉल्यूबल पेरिसिपिटेट बन रहे इसका कारण ये है कि जो सोप है ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट के साथ, तो क्या बना रहा है स्कम बना रहा है, और ये किसका कारण है क्योंकि हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है, हार्डनेस ऑफ वाटर होगी हमारी कैल्शियम और मैग्नीशियम, क्योंकि वाटर के अंदर क्या होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये क्या बनाएगा वाटर को हार्ड। हैंस यू नीड टू यूज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप, और उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा लार्ज अमाउंट ऑफ सोप यूज़ करनी पड़ेगी। दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाई यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड डिटर्जेंट एज क्लिनिजिंग एजेंट, तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए क्या आया है डिटर्जेंट,
तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, क्लीनिंग एजेंट के जैसे। डिटर्जेंट आर जनरली सोडियम साल्ट और सल्फोनिक एसिड और अमोनियम साल्ट विथ क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन। ये पहले बता दिया था कि जो डिटर्जेंट है हमारी ये क्या है, सोडियम साल्ट है सल्फोनिक एसिड का और अमोनियम साल्ट का विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, दोनों के पास क्या है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। द चार्ज एंड ऑफ दिस कंपाउंड डू नॉट फॉर्म इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन हार्ड वाटर। तो जो यह है आपका डिटर्जेंट के अंदर सल्फोनिक एसिड और जो अमोनियम वाली जो लार्ज चार्ज एंड है, ये क्या करेगा, इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। किसके साथ, हार्ड वाटर के। तो ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट नहीं बनाने का कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ। द दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। तो क्या होगा, जो डिटर्जेंट है हमारा ये हार्ड वाटर में भी क्या बनाएगा, लेदर बनाएगा, चाक बनाएगा। डिटर्जेंट आर यूजली यूज टू मेक शैम्पूज प्रोडक्ट फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स। तो डिटर्जेंट हम यूजली किस लिए यूज़ करते हैं, शैम्पू बनाने के लिए और क्लीनिंग क्लोथ्स के प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।